आज हम बनाएंगे टोमेटो पास्ता। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा देख लेते हैं। मैं उसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर और उसके साथ थोड़ी सी मैं प्यूरी भी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी डालूँगी, और लहसुन 3-4 कलियाँ, 2-3 अपने हरी मिर्च, प्याज हो गया 2, और पास्ता मसाला डाल रही हूँ, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालूँगी और अजीनोमोटो 1 चम्मच डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए अभी पानी बॉईल के लिए रख देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पानी को पहले से बॉईल कर लिया है, तो अभी ये है करीबन 2 लीटर के आसपास पानी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता। अब बस इतना अंदाजा लगा लो कि पास्ता अच्छे से भीग जाना चाहिए और अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए इसमें। अभी इसी के दौरान मैं इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दूंगी कि इसमें नमक रच जाए। ले लीजिए, अभी इसे बॉईल होने देते हैं। तो जब तक हम अपनी पास्ता के लिए तड़का तैयार करते हैं, इसे बॉईल होने के लिए मैं दूसरे गैस पे चढ़ा रही हूँ इसे। इसमें अभी बटर डाल देते हैं हम। अभी मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे, फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। आंच को मैं कम कर रही हूँ, तो अभी इसे निकाल लेती हूँ इसमें ग्राइंडर में पीसने के लिए। अब मैं इसे पीस दूंगी। 10 मिनट के बाद मैंने पास्ता को चेक किया है, तो अभी ये 5 मिनट और लेगा, अभी अच्छे से नहीं हुआ है ये, तो इसे हम अभी 5 मिनट और पकने देंगे। अभी पहले मैंने जिसमें टमाटर को भुना था मैं उसी में लहसुन डाल रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा पकाएंगे, भून देना है अच्छे से। हमारे लहसुन और ये मिर्च भून गई है, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं प्याज और टमाटर ही यूज करूंगी। इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे भून लेंगे। मैंने 5 मिनट और दिए थे इसे, 10 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में। अभी मैं इसे देख रही हूँ कि ये हो गया है कि नहीं। बहुत ही गर्म है, ये हो गया है अच्छे से। इसमें एक हल्की सी आपको व्हाइट सी लाइन दिख रही होगी, तो बस हमें इतना ही पकाना है इसे। अभी मैं इसे ठंडे पानी में छान दूंगी। हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। थोड़ी सी ये भी डालूंगी मैं।
पास्ता मसाला मिक्स कर रही हूँ। आधी चम्मच डाल रही हूँ अजीनोमोटो। एक चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। बस अभी इसे थोड़ा सा पकने देंगे, फिर हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें पास्ता ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं ये सारा अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। अभी इसमें मैं कुछ थोड़ी सी हर्ब्स डाल देती हूँ। थोड़ा सा ऑरेगानो, ये लीजिए हमारा पास्ता बन के रेडी हो गया है।